खबर भोपाल से है, जहां रविंद्र भवन स्वराज विधिका में पिछले दिनों से लगी सामूहिक चित्र प्रदर्शनी ममतव यात्रा का समापन किया गया। प्रदर्शनी में 23 चित्रकारों की चित्रकृतियां सजाई गई थी। इसमें 24 वर्ष से लेकर करीब 60 वर्ष तक के कलाकार शामिल हैं। प्रदर्शनी का आयोजन एम्पिल मिशन मुंबई और कमली आर्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया गया था। समापन पर सभी चित्रकारों को सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष राज सैनी ने बताया कि सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी में कलाकारों ने चित्रों के द्वारा खेतों में काम करते हुए माँ की ममता तो कहीं शहर में मजदूरी करती माता की छवि को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा माँ का उमड़ता हुआ प्रेम, धूप से बचती माँ जैसे दृश्यों को सजोया गया है। आज दिवस के उपलक्ष्य में जो इस माह में था, बच्चों को माँ के जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर चित्र बनाए गए और बच्चों ने पूरा एंजॉय किया, अपनी भावनाओं को चित्र में उभेरा और इस बात को 3 दिन तक उन्होंने इस प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे रचा, देखा, शहर के लोग आए, सबने प्रोत्साहित किया। आज कमली वेलफेयर सोसाइटी का जो 3 दिवसीय ममत्व एग्जीबिशन था उसका क्लोजिंग था और सर राज सैनी सर के लिए मैं यही कहूँगी कि उन्होंने आज तक जितने नए नए प्रतिभाओं को समाज के सामने लाने का जो प्रयास किया है, मेरे ख्याल से हजारों बच्चे उनके माध्यम से आज जो स्थापित कलाकार हैं, तो ऐसे ही वो बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि उनके बच्चे आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं और बड़े बड़े मतलब आर्ट एग्जीबिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। राज सैनी जी की एक लोकप्रिय संस्था कमली वेलफेयर सोसाइटी के 3 दिनों का आज समापन हुआ और उसमें आज उन्होंने जो कमली अवार्ड का स्थापन किया और उसमें पहली बार मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस ममत्व वाले कार्यक्रम में एक माँ के रूप में मुझे चुना। मैंने कहा है कि आपने इतना बड़ा मंच बच्चों के लिए दिया है, ईश्वर करे आपकी संस्था दूरी राज्यों में इसी तरह समाज सेवा के क्षेत्र में कला के प्रदर्शन और उत्कृष्ट सिखाने के लिए आप हमेशा।